हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग पोमोडोरो जो टाइमर ऐप होता है उसको बना सकते हैं। और आपको यह हर बार यहाँ पे रियलाइज़ कराएगा कि कितना मिनट आपको बचा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है पोमोडोरो टाइमर ऐप में, तो मैं सभी फीचर नहीं दिखा सकता अभी, मैं कोडिंग के बाद और दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो टाइमर वो चल रहा है। तो पोमोडोरो टेक्निक जो ऐप होता है कैसे बनाएंगे, इसमें आपको दिखाऊंगा मैं चैट जीपीटी की मदद से, और आपको लाइव पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे काम करता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चैट जीपीटी पे आऊँगा और यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी, और यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रॉम्प्ट दूंगा इसको, ये वाला मैं लिखूँगा यहाँ पे पोमोडोरो, क्योंकि मैं नहीं चाहता टाइम ज़्यादा लूँ तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हाउ टू मेक पोमोडोरो टाइमर ऐप इन एंड्राइड स्टूडियो इन जावा विथ एक्सएमएल, राइट द फुल कोड, एंटर प्रेस करिए। आपका जो कोड है देखिए मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पोमोडोरो टाइमर ऐप का, हर बार अलग अलग कोड मिलेगा। यहाँ पहले बोल रहा है कि पहले आप नया प्रोजेक्ट करिए, उसके बाद से एक्टिविटी में एक्सएमएल के अंदर जाइए और पूरा पूरा ये कॉपी करिए कोड, ये वाला बटन पाँच राइट, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि हमको यहाँ पे आना है, और भी जावा का कोड भी लिख दिया मुझे यहाँ पे। तो हर बार अलग अलग मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही कोड मिलने वाला है। वो सबको दिखा दूँ, मेरे में अलग अलग कोड मिला हुआ था, यहाँ वो देख सकते हैं यहाँ भी एक कोड मिला हुआ है, यहाँ बटन बस एक ही स्टार्ट के लिए है, स्टॉप वाला भी होता है, इसमें बहुत सारे कोड आपको मिलेगा। हर बार जितनी बार जाते हैं उतनी बार वो कोड मिलेगा यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको प्रोजेक्ट बनाऊंगा एक नया, जब तक नया नहीं बनाऊँ तो दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे आएंगे फाइल में, न्यू पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट, और ये फाइल न्यू न्यू प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे आप आइए कोई भी एक्टिविटी ले लीजिए, मान लीजिए मैं एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, नेक्स्ट पे जाइए, एप्लीकेशन का नाम दीजिए, पैकेज दीजिए, लोकेशन दीजिए जहाँ देना है, लैंग्वेज का नाम लिखिए, और यहाँ पे आप जो भी है मिनिमम एक्टिविटी वो दे दीजिए, और फिर से क्लिक करेंगे आपका क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि बनने में इसको 3-4 मिनट समय लगते हैं, तो मैं ऑलरेडी पहले बना लिया हूँ ताकि समय बचे आपका। अब मैं क्या करूँगा डायरेक्ट, क्योंकि मेरे काम खाली काफ़ी फेस्ट यहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पूरा पूरा कॉपी करूँगा कोड को जो कि XML का है, और इसको पेस्ट कहाँ करना है, रेस के अंदर, लेआउट के अंदर, एक्टिविटी में XML। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आऊँगा यहाँ पे और रेस के अंदर आऊँगा, और रेस के अंदर जानते हैं लेआउट के अंदर और एक्टिविटी में XML हमारा ऑलरेडी खुला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको आऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूँगा, देख रहे हैं हमारे यहाँ पे स्टेप बन गया हमारा लेआउट। अब मैं क्या करना है, मेरे को जावा फाइल कॉपी करना है, जावा फाइल भी पूरा नहीं कॉपी कर सकते एक बार में, इसलिए मैं डायरेक्ट पहले इतना ही कॉपी करूँगा ऊपर से इंपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे इंपोर्ट करना होता है, कम से कम इंपोर्ट करना जान जाएंगे कोड को बहुत बड़ी बात होती होगी। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, तो हमारा ये इंपोर्ट हो गया ये वाला। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जावा का कोड लूँगा, तो यहाँ पर जावा कोड इतना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इतना कोड का कॉपी कर लूँगा, ठीक है, जिसमें सारा का सारा वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मेन एक्टिविटी के अंदर आके यहाँ पे लिख देना, जैसे आपका टेक्स्ट भी हो गया, बटन हो गया, काउंटडाउन टाइमर हो गया, ये रनिंग फॉल्स हो गया, फिर आपको दो वेरिएबल होंगे पोमोडोरो ड्यूरेशन और ब्रेकडाउन ड्यूरेशन, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये 25 मिनट के लिए है और ये 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद आपको ब्रेकडाउन करवाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है ये वाला, इसको क्या करना, पूरा का पूरा कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक, और यार पूरा कहाँ चला गया, तो यहाँ से हमको कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, ठीक है। तो कंट्रोल सी करेंगे और डायरेक्ट आएंगे ये वाला, इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो ये हमारा काम हो गया, बस कुछ करना कुछ नहीं है आपको, डायरेक्ट ऐप को रन करना। तब तक मैं समझा दूँ, अब ये रन हो रहा है क्योंकि रन होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं आपको दिखा दूँ कि ये कोड कैसे लिखा गया है। पहले मैं क्या किया, इंपोर्ट किया कोड को जो कि आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज नहीं हुई अभी, और उसके बाद आपको देखिए पहले मैंने टेक्स्ट व्यू लिया, बटन लिया, टाइमर लिया, और ये सारा चीज़ें इसलिए लिया है, मतलब इसमें यूज करना है अभी। उसके बाद देखिए हमारे ये रन हो तैयार हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब एक ही स्टार्ट करूँगा, देखिए हमारे टाइमर तैयार हो गया। तो बहुत सारे फीचर अभी यहाँ पर, हर 5 मिनट बाद आपको अगर नया नया फीचर मिलेगा तो 5 मिनट मुझे वेट करना पड़ेगा, तब तक तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वेट नहीं कर रहा हूँ। इसको पास कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, और इस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बस केवल पास रिज्यूम कर सकते हैं, अभी अभी के रिस्टार्ट नहीं कर सकते दोबारा, इसलिए और फीचर लगाने पड़ेंगे।